नमस्कार, कोरोना योग एपिसोड 46 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जानेंगे हम अगोचरी मुद्रा। इसे अगोचरी मुद्रा क्यों कहा जाता है, इसके करने की विधि क्या है, किसको यह नहीं करनी चाहिए और इसके लाभ क्या है। आइए पहले इसके नामकरण के बारे में जानें। अगोचरी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इंद्रियों से परे का ज्ञान होना, अदृश्य को दृश्य कर लेना, अज्ञात का बोध करवा देने वाला, एक विशेष चेतना के स्तर पर पहुंच जाना साधक का। अतः इसे अगोचरी मुद्रा कहा गया है, क्योंकि इस मुद्रा के अभ्यास से एक साधक इसकी परिपक्व अवस्था में इंद्रियों से परे का ज्ञान प्राप्त करता है। अभ्यास करने के लिए पहले एक ध्यानात्मक आसन में दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखते हुए धड़, गर्दन और सर को सीधा कर लें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कर शरीर को शिथिल बनाएं। पश्चात चेहरे, आंखें व मस्तक की मांसपेशियों को भी शिथिल करें। शरीर को पूरी तरह से तनाव रहित महसूस करें। पश्चात आंखें बंद करने के बाद एक गहरा श्वास भीतर भरें। यह क्रिया आंतरिक कुंभक की है। श्वास अब आप आंखें खोलते हुए नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर दें। नासिका के अग्रभाग या इस बिंदु को तह करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो नासिका का अंतिम भाग है, इसके दाएं और बाएं भाग की जो दो दीवारें बनती हैं, दो रेखाएं बनती हैं, यह ठीक उल्टे वी के आकार की दिखाई देगी आपको। और जहां ये दोनों रेखाएं मिलती है, उसका ऊपरी भाग, उस बिंदु को आपने अपनी दृष्टि का केंद्र बिंदु बनाना है। वहां पर अपनी दृष्टि को टिकाकर आंतरिक कुंभक में यथाशक्ति रुके। जब कुंभक में ना रुक पाए तो आंखों को बंद कर लें और नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। यह एक चक्र हुआ। आप ऐसे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे, एक बार आप देख लेंगे इसे। जिनसे इस मुद्रा का अभ्यास शुरू में कठिन दिखाई देता है, वो अपनी उंगली, अपनी भुजा को कंधों जितनी ऊंचाई पर लाकर और वो अपनी अंगूठे की पहली उंगली जो है उसके नाखून को देखें और धीरे धीरे इसे अपनी नासिका की ओर बढ़ाते जाएं। दृष्टि नाखून पर टिकी रहेगी। अंत में यह नाखून आपकी नासिका के अग्रभाग को छुएगा। आपको नासिका का अग्रभाग दिखाई देने लगेगा और उंगली को वापस ले आइए, दृष्टि को वहीं टिका दीजिए। शुरू में ऐसा आप कुछ दिन अभ्यास कीजिए, पश्चात आपका नासिका के अग्र बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करने का अभ्यास पक्का होने लगेगा। किसे इसका अभ्यास नहीं करना, यह भी ध्यान रखें। शुरू में 5 चक्रों का अभ्यास कर लें, धीरे धीरे चक्रों को बढ़ाते जाएं। जिनकी आंखों में संक्रमण है, जिनको शल्य चिकित्सा, जिन्होंने आंखों की करवाई है, जिनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या है, जिनकी आंखों के स्नायु कमजोर हैं, उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। हृदय रोगी, अस्थमा रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगी कुंभक ना लगाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। वो बिना कुंभक के इसका अभ्यास कर लें। नए साधक को भी शुरू में बिना कुंभक के ही अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से आंखों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है, दिव्य ज्योति बढ़ती है। अतिरिक्त इसके मन शांत होता है, मानसिक तनाव खत्म होता है,
क्रोध शांत होता है। इस आसन के करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, ध्यान में जाना सहज हो जाता है, साधक इसकी परिपक्व अवस्था में यह शक्ति प्राप्त कर लेता है कि वह इंद्रियों से परे के विषयों को जानने लगता है। अतः यह साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है। अच्छे योग के जिज्ञासुओं को इसका अभ्यास अपनी साधना में अवश्य जोड़ लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।